पाब्लो अरे भैया क्या भाई फिर तो काट रहा अबे इसे तो काट दिया आते ही काट दिया अबे भाई तो क्या हो गया भाई स्वागत हो गया ये देखो ना आर्ट एंड आर्टिस्ट आर्ट एंड आर्टिस्ट सामने थे यहाँ पे। हेलो गाइस स्वागत है आपका आपके चैनल कनेक्शन लॉस्ट एफ यू में। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जर्नी पे जो कि मेरे साथ मेरे और फ्रेंड्स ने कंप्लीट की है। हम लोग अभी जा रहे हैं चोपता तुंगनाथ और साथ में हमारा और भी आगे का प्लान है वो धीरे धीरे आगे व्लॉग्स में हम आपको डिस्क्राइब करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। इस जर्नी में मेरे साथ हो गए मेरे फ्रेंड अमन और एक मेरा फ्रेंड है पुणे से जिनका नाम है ऋषिकेश और एक्चुअल में हम इनको बुलाएंगे पूरे व्लॉग में डिस्ट्रॉयर के नाम से जो कि इनकी BGMI आईडी है और मेनली हम इन्हें BGMI के थ्रू ही जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये अपने पेट के साथ जिसका नाम है पाब्लो जो कि हस्की है साइबेरियन हस्की है इसके साथ विजिट कर रहे हैं देहरादून और ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। तो गाइस जो ये जर्नी है हमारे लिए तो देहरादून से बिगिन होती है बट पाब्लो और ऋषिकेश और उनके भाई के लिए ये जर्नी बिगिन होती है पुणे से। पुणे से ये लोग आते हैं देहरादून। तो भाई सबसे बेस्ट बात यह है कि पाब्लो अभी 4 मंथ्स का है और 4 मंथ्स के हिसाब से उसकी ग्रोथ काफ़ी बेटर है और हस्की के कंपैरिजन में। तो सीन ये है कि आज अभी पाब्लो देहरादून पहुंच गया है और मैं और मेरा फ्रेंड अमन जो कि देहरादून ही रहते हैं तो हम लोग जा रहे हैं पाब्लो और ऋषिकेश और उनके भाई से मिलने के लिए। हेलो हेलो अरे डिस्टर्ब है दिखाओ जरा पाब्लो को तो दिखाओ पाब्लो को दिखाओ जरा कुछ नहीं आ रहा ब्लैक आ रहा दिखाओ तो पाब्लो को दिखाओ जरा पाब्लो इज फर्स्ट इम्प्रेशन पाब्लो इज इन देहरादून थोड़ा पूरा फेस दिखाओ पूरा फेस ये बहुत बढ़िया पाब्लो पहुंच गया देहरादून हाँ भाई पाब्लो के मालिक साहब हेलो पाब्लो इज इन द हाउस हाँ भाई क्या हाल है क्या हाल सर बढ़िया पाब्लो अरे भैया क्या भाई फिर तो काट रहा अबे इसे तो काट दिया आते ही काट दिया अबे भाई तो क्या हो गया भाई स्वागत हो गया आपका। सबसे खतरनाक चीज़ ये हुई कि उसने आते ही मुझे काट दिया बट मैंने कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगाया तो क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वैक्सीनाइजेशन हो चुकी थी। अब पुणे से जब वो लोग आए तो वो लोग आए ट्रेन में बैठ के तो उनकी जर्नी ट्रेन से हुई तो ट्रेन की जर्नी के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी क्योंकि ट्रेन में ऐसी बुकिंग्स नहीं हो पाती हैं। अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हो उसके लिए भी एक बहुत सारे प्रोसीजर्स करने होते हैं। अगर आपको वो डेडिकेटेड वीडियो देखना है उन प्रोसीजर के ऊपर तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मैं वो डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा। जो भी प्रोसीजर होते हैं सब चीज़ होती हैं वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि किस तरह से आप अपने पेट को ट्रेन में अपने साथ लेके आ सकते हैं। ये देखो ना आर्ट एंड आर्टिस्ट आर्ट एंड आर्टिस्ट सामने थे यहाँ पे। हस्की ब्रीड जो होती है वो ठंडी जगह पे रहते हैं उनको कोल्ड क्लाइमेट्स पसंद होते हैं लेकिन जो ट्रैवल होता है जो इस ट्रैवल के कारण उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। मतलब पुणे में तो चलो एक बात मान लेते हैं कि वो एसी में रूम में रहता है बट ट्रैवल के टाइम हर समय एसी नहीं मिल पाता है और बहुत सारी दिक्कत होती हैं। तो थोड़ा सा शायद वो फ्रस्ट्रेट हो गया था अब चेंज ऑफ प्लेस चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से और मे बी और भी कई रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसने काटा मेरे को। बट ठीक है जैसा भी है मुझे भी शायद आई थिंक मेरी तरफ से भी गलती होगी कि मुझे उसके एकदम से क्लोज नहीं जाना चाहिए था हालांकि मैं हाथ मिलाने जा रहा था बट वो सामने था तो हो गया जो होना था। चले अभी मैं जायजा ले रहा रूम का पाब्लो दे रहा भाई टॉयलेट टॉयलेट करा दिया तुमने से नहीं वो नहीं किया आया नहीं अभी वो परेशान हो रखा थोड़ा तो पानी मिलेगा गरम
हाँ यहाँ पे वो नंबर होगा ना, देखियो उसमें लिखा हुआ नंबर, कॉल कर दे। ये ऊपर देख रहा होगा जगह, ऊपर वाले के लिए नंबर में। वो देखो डस्टबिन में कुछ खाया ना, है? ना ना वो ऐसा कर रहा था ना, अभी वो डिस्टर्ब भाई के साथ देख रहा ना। हाँ, वो सो रहा होगा, फ्रेंड है वो। उसने भी इतना नया नया देखा ना तो वो एकदम से वो सरप्राइज हो गया। इसको छोड़ दो ना अभी, काटेगा तो नहीं। पैर वैर तो ही पकड़ दो ना, पैर वैर पकड़ते हैं। नहीं नहीं हाथ पे जब लेता ना अभी। हाँ सारा फिर तो दिक्कत है, अपना वो मन घूम गया। खाना दो जी निश्चित है, वो पूड़ी मांग रहा है। आजो नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा वो सच्ची नहीं। अरे खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खाना होगी तो मतलब पता नहीं लग रहा कि जब ये इतने कम है जैसे ज़्यादा लग रहा है। मतलब जो ऑली का भाई था वो इम्पोर्टेंट साइलेंट अच्छा क्या चल रही है पाब्लो? रूम में माहौल काफी गर्म है। सीन ऐसा हो रखा है कि पाब्लो थोड़ा परेशान भी है और हम लोग भी उसके कारण परेशान है कि कहीं फिर से ना काट दे, कहीं अटैक ना कर दे, झपट्टा मार दे, तो थोड़ा डर का माहौल भी है। बट थोड़ा सा अगर देखें तो घुल मिलना स्टार्ट कर रहा है, वो देख रहा है क्योंकि उसको आदत भी नहीं है ज़्यादा लोगों के आजू बाजू होने की, और एकदम से नए लोग, नई जगह, नया टेम्परेचर, सब कुछ मतलब उसके लिए नया है, तो इसलिए थोड़ा उसको टाइम लगेगा अडेप्ट करने में। तो जर्नी में देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे साथ अडेप्ट कर पाता है। अभी तो सच में बहुत डर का माहौल है, मन भी नहीं कर रहा है कि उसके आजू बाजू कहीं भटको या वो हमारे पास आए। बस तो गाइज अब काफ़ी लेट हो गया, शाम हो गई है, पाब्लो भी थक गया है, वो तो सीधा चले गया है, शीत निद्रा में चला चुका है, जा चुका है, और हम लोग भी अभी जाते हैं सोने के लिए अपने अपने घर। और कल हम यहाँ वापस आएंगे होटल में पाब्लो और बाकी लोगों को पिक करके, फिर हम लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं व्लॉग और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा देहरादून से श्रीनगर का। और देखते हैं अगर ज़्यादा आगे जा पाए हम रुद्रप्रयाग या उससे आगे तक भी जा पाए तो देखेंगे जैसा भी कंडीशन रहती है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम डॉग के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने भी आज तक कभी ऐसा ट्रैवल नहीं किया, तो एक्साइटिंग होगा ये जर्नी, मतलब काफ़ी अलग जर्नी होगी। और कल की जर्नी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप लोग मिस ना करें ये वाली वीडियो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जर्नी। तो कंटिन्यू करते हैं कल। सी यू गाइस, नमस्ते।